मुंबई स्टाइल आलू रगड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने सफ़ेद मटर्स को मैंने रात को भिगा दिया था। इसको एक बार अच्छे से मैंने धो लिया है और एक बार वापस हम इसको धोएंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा भी डाला था। और एक प्रेशर कुकर में ले लेंगे इसको और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1/3 टी स्पून ले लिया हमने हल्दी और 750 ml हमने ले लिया है पानी और इसको एकदम अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे 4 से 5 व्हिसल आने तक। जब तक हमारे मटर बॉईल होते हैं तब तक मैंने यहाँ ये 6-7 आलू बड़ी साइज के ले लिए हैं। इसको फ्राई करेंगे। मैंने पहले ही बॉईल करके ले रखा है। आलू एकदम लाल होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस एकदम लाल कलर आने तक मैंने उसको फ्राई किया है। यहाँ का गैस बंद करके सारे आलू निकाल के साइड में रख देंगे। हमको आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। ब्राउन हो जाए तो एक बड़ा प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है तो 1 टीस्पून हमने ये लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून ये ले लिया हमने अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ये डाल देंगे इसमें और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके 15 से 20 सेकंड इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका एक कच्चापन जो है दूर हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच हमने ले लिया है, धनिया पाउडर आधा चम्मच, मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से। किचन किंग मसाला और या तो आप इस गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मसाला 1 से 1.5 मिनट अच्छे से हम पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हमारे मटर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी लेंगे, इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद अब ये इमली का पानी, रात को मैंने इमली भिगा के रख दी थी, फिर इसको बॉईल करके एकदम अच्छे से मिक्सी में क्रश कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1/3 टीस्पून ये अमचूर का पाउडर ले लिया, मिक्स करके फ्लेम को मीडियम करके इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 1/3 टीस्पून और या तो चुटकी भर हमने नमक लेना है और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चाहे तो सेंधा नमक, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको 3-4 मिनट तक कुक करेंगे। और फ्रेंड्स आपको बताना रह गया था, बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट फूड स्टाइल जो मुंबई में रगड़ा पाव मिलता है बिल्कुल वैसा रगड़ा बनाने के लिए मैंने 20 मिनट फ्लेम को स्लो करके रगड़ा पकने दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से रगड़े की दुकान पे कंटिन्यू स्टोव चालू रहता है उसी तरह से हमने 20 मिनट तक इसको एकदम अच्छे से कुक कर लिया है। और ये आलू काफी सारा धनिया पत्ता, गैस यहाँ का बंद कर देंगे। ये एक बाउल में ले लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल तैयार है हमारा आलू रगड़ा। फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस आइटम है, देख के मुंह में पानी आ जाएगा आपको। तो ये आइटम बनाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी।